हेलो एवरीवन, आई एम रितिका शर्मा, टीचर ऑफ नेशनल एकेडमी हाई स्कूल अधमपुर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य की विधा निबंध। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि निबंध किसे कहते हैं। निबंध शब्द नी तथा बंध, इन दो शब्दों के मेल से बना है। इसका अर्थ है पूर्ण रूप से गठित, अर्थात बंधा हुआ। इस प्रकार निबंध का अर्थ हुआ किसी विषय पर अपने विचारों एवं अनुभवों का व्यवस्थित रूप में लिखा गया लेख या कोई रचना। अर्थात निबंध द्वारा हम अपने विचारों, भावों और सुझावों को प्रभावशाली भाषा की सहायता से लिख सकते हैं। निबंध के विषय अनंत हो सकते हैं, यानी कि निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध मुख्य चार प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिनमें विषय विशेष के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाता है। अर्थात इन निबंधों में किसी मेले, त्योहार, ऋतु आदि का वर्णन होता है। विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंधों के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिनमें विषय का विवरण दिया जाता है, जैसे विशेष यात्राओं, घटनाओं, स्थानों आदि का विवरण प्रस्तुत करना। भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध में भावों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इनमें किसी विषय जैसे मित्रता, परोपकार, मानवता आदि विषयों पर लिखने वाला अपने मन के भावों को प्रकट करता है। विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में किसी विषय के पक्ष विपक्ष, हानि लाभ आदि के विषय में विचार व्यक्त किए जाते हैं। यह निबंध देश अथवा समाज की समस्याओं से जुड़े होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले विषय हो सकते हैं विद्यार्थी और अनुशासन, आतंकवाद, प्रदूषण की समस्या आदि। एक अच्छा निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लिखने से पहले निबंध के विषय को अच्छी तरह से समझ लें। निबंध की रूपरेखा बना लें। निबंध की भाषा सरल, मुहावरेदार तथा विचार मौलिक हों। प्रस्तुत किए गए विचार एक दूसरे से जुड़े हों। निबंध में किसी महापुरुष के कथन, कविता आदि की कुछ पंक्तियों का समावेश करके निबंध को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। निबंध लिखते समय विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें तथा वर्तनी यानी कि स्पेलिंग की शुद्धता का ध्यान रखें। निबंध के तीन अंग यानी कि तीन हिस्से होते हैं। भूमिका। निबंध का पहला अंग भूमिका होती है। भूमिका में विषय को चार पांच वाक्यों में समझाया जाता है। भूमिका को पढ़कर निबंध पढ़ने वाले के मन में निबंध पढ़ने की उत्सुकता उत्पन्न होती है। इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। निबंध का दूसरा अंग है विषय विस्तार। विषय विस्तार में विषय से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में विस्तार से लिखा जाता है। उपसंहार। उपसंहार निबंध का तीसरा और अंतिम भाग है। इस भाग में निबंध में बताई गई सारी बातों का निष्कर्ष लिखा जाता है। एग्जाम्स में आपको एक विषय दे दिया जाता है जिस पे आपको निबंध लिखना होता है। किसी भी निबंध में 5-6 हेडिंग्स आपको बनानी होती हैं ताकि आपके मार्क्स न कटें। इन 10 हेडिंग्स में लगभग 5-6 हेडिंग्स आप हर निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको निबंध लिखने में आसानी होगी। यह 10 हेडिंग्स हैं भूमिका, अर्थ, महत्व, कारण, प्रभाव, परिणाम, लाभ, हानियां, उपाय और उपसंहार। तो बच्चों, इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। अब आप स्वयं निबंध लिखने का अभ्यास करें। हर किसी के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है, इसलिए विद्यार्थियों से एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है कि उनके जीवन का क्या लक्ष्य है। हर घर बनाने के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है और ज़िंदगी बनाने के लिए यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास एक योजना हो, एक प्लान हो, एक लक्ष्य हो। अब आप सबका होमवर्क है कि आप मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर निबंध लिखेंगे। मेरे जीवन का लक्ष्य निबंध की रूपरेखा में भूमिका, मेरा लक्ष्य
लक्ष्यपूर्ण जीवन के लाभ, कारण और उपसंहार मैंने लिख दिया है। मुझे आशा है कि शुक्रवार तक आप मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अच्छा निबंध लिख लेंगे। धन्यवाद।